Hey guys, welcome back to my channel. My channel. तो जी हम आ गए. और पता है हम अभी भी डॉक्टर के पास गए थे, मतलब कानों के डॉक्टर के पास. तो जी उन्होंने हमको बोला है कि हमारे कान में बहुत ज़्यादा वैक्स है. तो हमने सोचा वैक्स तो फिर हम इससे रीडिंग भी तो कर सकते हैं, हमको क्या ज़रूरत है मोमबत्ती से कैंडल वैक्स रीडिंग करने की. कि हमने मन में सोचा कि इतना वैक्स आया किधर से है हमारे कान में मोम. कल वैसे भी किसी ने हमको बोला भी था कमेंट में कि वैक्स ज़्यादा जमा हो गई होगी. तो हमने तब भी मन में सोचा था कि वैक्स कान में. अभी पता चला है जो कान की मैल को वैक्स बोला जाता है, लेकिन हमारे कान में मैल इम्पॉसिबल था वैसे, क्योंकि हम तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बर्ड्स वगैरह से निकालते रहते हैं. और इतना पता नहीं इतना हाइजेनिक रहने के बाद भी कानों में मैल आई कहाँ से. खैर जो भी है, अब है तो है, देखिए जो भी है. तो जी फाइनली हम दवाई लेके आ गए हैं. वीडियो के बाद दवाई डालवाएंगे मम्मी से डलवाएंगे, ठीक है. और कुछ खाने पीने का भी उन्होंने, मतलब खाने पीने का है, हमको दवाई नहीं घुसता है, कुछ टैबलेट वगैरह जो भी है वो दी है. तो हम जो है वो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक आध दिन में हमारा कान खुल जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा. तो जी अभी जो है रीडिंग करने आए हैं, रैंडम रीडिंग. रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है. आपको तो पता है आपका फेवरेट टॉपिक है. और हमारी तरफ से बहुत सारे लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ. और जी किस चीज़ की बधाइयाँ? और जी टीचर्स डे की बधाइयाँ. टीचर तो हम हैं, क्योंकि गाइडेंस हम देते हैं, हम ही तो हैं आप लोगों को पढ़ाने वाले, आपके गुरु. लेकिन हमको कोई गुरूर नहीं है इस बात का, क्योंकि आपको तो पता है कि हम आपसे भी कुछ कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं हमेशा. आप भी तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, हैं तो आप भी हमारे टीचर हुए. तो उस हिसाब से हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, क्योंकि हम आपसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप भी हमारे गुरु हैं. और हमारी तरफ से जो है नमन है हर एक गुरु को जो यहाँ पे ये रीडिंग देखता है. सब गुरु हैं हमारे लिए, ठीक है. और हाँ, आपकी तरफ से जो आपने हमको प्रणाम भेजा है तो जी हमने ले लिया है. आशीर्वाद आशीर्वाद सबको बराबर आशीर्वाद, ठीक है. और तो जी एक स्ट्रिक्ट टीचर तो हम हैं नहीं, आपको पता है. हमारे जैसा पागल टीचर कोई होगा तो फिर क्या ही होगा. कभी सोचा अगर हम स्कूल में टीचर होते तो क्या ही होता, वैसे बच्चे बड़े खुश रहते कसम से. खैर अभी जो हमको बताना है वो ये है कि रैंडम रीडिंग हम कर रहे हैं. और हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन. और चलिए हाजिरी लगाइए, प्रेजेंस अपनी, ठीक है, अटेंडेंस लगा लो. रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3. अरे ये कौन लोग हैं जो ऐसे प्रेजेंट मैम भी बोल रहे हैं. तो जी चलिए, अब बहुत देर हो गई है, अब रीडिंग कर लेते हैं. एक्चुअली हमको वाकई में इस कान से कुछ नहीं सुनाई दे रहा. डॉक्टर को जब हम गए ना, हमने पूछा, हमने बोला कि डॉक्टर ने बोला हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, तो हमने बोला कि एक कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बंद है. तो उन्होंने जैसे मतलब देखा भी नहीं ठीक से, ऐसे करते, अरे भाई बंद है, पूरा ही बंद है मामला. डॉक्टर ने बोला ये तो पूरा ही गया है. हाँ बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है. हमने कहा तो फिर क्या करना है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, दवाई डालना है, बहुत ज़्यादा मैल जमा हुआ है. हमने कहा अच्छा मैल? बोला कि हाँ वैक्स वैक्स. हमने कहा अच्छा वैक्स. तो हमने सोचा मन में, तब हमने सोचा कि मोम किसी से रीडिंग कर लेनी चाहिए. तो जी ये अभी तक का अपडेट. भाई बहुत परेशान हो रहे थे आप लोग कि डॉक्टर के पास कब जाओगे, कब जाओगे, कब जाओगे. कल तो भानु ने कहा कि आपको हमारी कसम है आप डॉक्टर के पास कल ज़रूर जाइएगा. अरे हम इतना डर गए, हमने कहा यार नहीं यार, कल तो हम जाएंगे ही, बारिश आए, धूप आए, बिजली कड़के या हमारे ऊपर कुछ भी करंट गिर जाए, बिजली गिर जाए, बट नहीं, हमको जो है डॉक्टर के पास जाना है. भाई लोगों ने कसम दे दी अब है. वैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हो आप लोग, गलत बात है. तो रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी हैं, जीवन में क्या चल रहा है. भाई ये किस चीज़ का डिसीजन है जो आप लोगों को लेना है, क्योंकि कुछ दिनों से आ रहा है डिसीजन. हीलिंग ले लीजिए, हीलिंग ले लीजिए. अचानक से हमको याद आया है, बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है. बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि हीलिंग डेली दिया कीजिए. अरे तो ले लीजिए हीलिंग, हमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है भाई. Thank you.
खुश हुए हैं, कारण होगा ना हमारी खुशी का। तो नहीं, हमारा देखिए हर समय तो आपको पता है कि बगल फड़फड़ाना पॉजिटिव नहीं रहती। तो अभी जो है आप लोग या तो कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, एक ज़रिया आपका जो नज़रिया है पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का वो काफ़ी चेंज है, बहुत बिल्कुल आप हट के सोच रहे हैं फाइनली कुछ। बहुत लंबे टाइम से वही चीज़ों में जो लोग फंसाए हैं, छीने छिलाए लोग हैं जिन्होंने हमेशा से, मतलब एक फाइनली आप एक ऑप्टिमिज़म आपके अंदर भर भर के आ रहा है। लेकिन वो ऑप्टिमिज़म हम आपको बताते हैं कि व्हाट यू आर फाइनली अबाउट टू गेट, अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस। हीलिंग साउंड पे हमको दिखाई दिया और वो मंदा नहीं पड़ेगा, लाइक बहुत लंबे टाइम के लिए ये अबंडेंस का ये जो भंडार है वो बहुत आपके जीवन में रहेगा। अरे भाई गणपति जी आ रहे हैं, तैयारी कर लो। गॉड ब्लेस यू। आज हम भर भर के जो है इसमें ईवीलाई का वो टीका डालेंगे, क्योंकि ईवीलाई का वो जो होता है ना वो ब्लू कलर का वो लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुड लक गुड फॉर्चून बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप इतने खुश होने वाले हैं, इतने खुश होने वाले हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और ये लिटरली हमने हीलिंग साउंड पे हमको ये एनर्जीज ग्रैब हुई हैं, लाइक यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी, सो फुलफिल्ड, सो कंटेंट इन, सो सेटिस्फाइड इन एवरीथिंग। और आपको ना अब ऐसा लगेगा कि जैसे आपने सब कुछ पा लिया है। ऑब्वियसली ये आपकी लॉन्ग अवेटेड खुशी है, ये खुशी कुछ भी हो सकता है। देखिए हमको ऐसा भी लगा जैसे कुछ लोगों का रिलेशनशिप हील हो रहा है, फाइनली कुछ लोगों का रिलेशनशिप हील हो रहा है, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। खुशी खुशी, आपके पांव ज़मीन पे टिकेंगे नहीं, आप इतने खुश होने वाले हैं, गॉड ब्लेस यू। और कुछ लोगों के लिए ये एक टावर मोमेंट की तरह आएगा, वो इसलिए क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, सडन है बिल्कुल, तो आपको रिएक्शन क्या देना है वो आप समझ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा सच में हो रहा है। आप अपने आप को लिटरली ऐसे क्या बोलते हैं उसको, चुंडी बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं वो काट के आप ऐसे बोलेंगे कि कहीं ये सपना तो नहीं है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग करते हैं, चलिए अभी की एनर्जीज चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो रैंडम रीडिंग है, थोड़ा शफल कर रहे हैं, उसके बाद हम जब रेडी होंगे तब कार्ड्स लेंगे। थोड़ा अच्छी तरीके से रुक जाइए, थोड़ा बस थोड़ा सा, बस एक मिनट झपड़ 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 कर लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। प्रोस्पेरिटी, हमें क्लोवर बहुत दिखाई दे रहा है। क्लोवर पता है जो एक फोर लीफ थ्री लीफ क्लोवर होता है ना, आपने देखा होगा, हम आपको जब गॉड ब्लेस यू लिखते हैं उसमें जो आपको इमोजीज भेजते हैं ना, जो आपको इमेजेस भेजते हैं, जैसे एक ईवी लाई का होता है, एक ऐसा वाला होता है, एक हार्ट भेजते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, एक हाँ वो होता है ना, एक ऐसे करके एक, और एक क्लोवर भी होता है ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई देता होगा ना, वो क्लोवर बोलते हैं उसको, CLOVER। तो बार बार ना हमको हमारी आंखों के सामने क्लोवर फ्लैश हो रहा है। क्लोवर इज ऑल अबाउट अबंडेंस, इट्स ऑल अबाउट लक, टिम लक लक ते टिम लक लक। तो जी बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब हम रेडी हैं और हम कार्ड्स लेंगे, बहुत देर हो गया झपड़ 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 करते हुए, तो हो गया है, कार्ड्स आने को बिल्कुल तैयार है। तो देवियों और सज्जनों तैयार हो जाइए, देखते हैं क्या आ रहा है भाई। पहला कार्ड टू ऑफ सोर्ड्स, घबराइए नहीं, घबराई ना, बिल्कुल ना घबराई। अभी देखिए टू ऑफ सोर्ड्स, किस चीज़ की कंफ्यूजन है ये, द चैरियट। बोला था ना कि कुछ आ रहा है जिसमें आपने ना किसी कुछ अंधेरों में कुछ, मतलब ऐसे अंधाधुंध तीर चलाए हैं, वो जाके अब निशाने पे लग गया है समहाउ।
कुछ चीज़ों में आपने गिव अप कर दिया था, कुछ चीज़ों में आपने उम्मीदें छोड़ दी थी, वो चीज़ें लौट रही हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं फाइनली। वो हमने बोला ही भाई कुछ तो हैप्पीनेस टू ऑफ सोर्स, तो वो कन्फ्यूजन वाले दिन जो है वो लद गए। हमने 11-11 देखा था अभी कैमरे पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो इन रिगार्ड्स विद सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो। कोई आपका क्रिएटिविटी, कुछ आपका ऐसा क्रिएटिव फील्ड्स अगर हैं तो आपकी तरफ अचानक से कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्स आप साइन करने वाले हैं। एंड हेयर कम्स द डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव बीन वेटिंग फॉर। अभी भी एनर्जीज देखिए 3-4 दिन से यही एनर्जीज आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा इनर वर्क आप लोगों ने किया होगा। इनर वर्क, अब बोलेंगे आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये इनर वर्क क्या है, और 9 of cups से देखिए कितना रिलैक्स्ड हो, कितना ये दिख गया हमको समझाओ, अभी लेंगे नहीं दिखा है तो मतलब क्या बोल रहे थे हम वैसे, बहुत ज़रूरी बात बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन भूल गए, लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात थी जो भी थी। ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ लंबे कुछ टाइम से ये एनर्जीज आ रही हैं ना, तो हम जब 3-4 दिन से बोल रहे हैं आपने कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा आपने तगड़ा वाला कुछ प्रेयर्स हो, मैनिफेस्टेशंस हो, मतलब अंधेरे में तीर चलाया आपने, गिव अप भी कर दिया, वो चीज़ फाइनली वो रिज़ल्ट देने के लिए तैयारी कर लीजिए। बस सितंबर में तो, बस सितंबर में तो लॉटरी लॉटरी है। कोई अग्रीमेंट किसी तरीके का कुछ ऐसा साइन अप करेंगे, कोई ऐसा मतलब जिसमें फेम के अलावा भी एक जीवन भर का सुकून, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ओह हायरोफेंट, वेरी नाइस यार हायरोफेंट। बहुत सारे नए कॉन्टैक्ट्स बनने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को आप हील करेंगे, गाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो आपके पास कोई आएगा तो निराश नहीं लौटेगा, और इस बार जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं वो परमानेंट हैं, क्योंकि चैरियट पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके तुरंत बाद डेथ आया है। सम हाउ दिस इज परमानेंट। बहुत सारे लोग अगर हमेशा से ये सोचते रहे हैं, ये कार्ड इस तरीके से कैसे इसके अंदर है भाई, हमें तो नहीं मालूम है, और अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है, तो इस कार्ड का आप देख सकते हैं ठीक हायरोफेंट के तुरंत बाद आया है, तो डेफिनेटली आई एम श्योर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्लो एनर्जीज को हमको दिखा रहा है, लेकिन दुरुस्त है। कुछ लोगों की लाइफ में सेप्टेम्बर के एंड तक हो सकता है ये चीज़ें हों, लेकिन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है और बिज़ी बहुत होने वाले हैं आप, ठीक है, इसकी भी तैयारी कर लीजिए। बिज़ी बहुत रहने वाले हैं आप इस दौरान पे, डेफिनेटली फॉर श्योर इतना बिज़ी रहेंगे आप जिसका कोई मतलब टाइम नहीं मिलेगा आपको यार, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और स्लो डिलेड एनर्जी होने के बावजूद भी हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, और डिलेड इतना भी डिलेड नहीं। हाँ चलिए, देश से हमने अपना वादा कर लिया है। ये गाना जो है ना, ये स्वच्छ भारत का जो गाना है, पता है नहीं आप लोगों की इधर बजता है कि नहीं बजता, दिल्ली में, दिल्ली NCR में बजता है, तो पता नहीं ये गाना ना हमको हमेशा से ऐसा लगता है केजरीवाल जी गा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये गाना केजरीवाल जी ने ही गाया है। खैर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली आप इतने मतलब अपने काम के प्रति इतने जुनूनी हो जाएंगे, तो अपने आसपास की सारी चीज़ों को भूल जाएंगे आप, इतना बिजी होने वाले हो, हम बता रहे हैं ना इतना बिजी होने वाले हो इस दौरान पे, लाइक लिटरली कुछ इधर उधर का कोई आपको धुन अपने रहेगा ही नहीं, मतलब आप
अपने ऊपर, हमें नहीं लगता है कि आप अपने ऊपर फोकस भी करने का, आपको अपने सेल्फ केयर करने का भी टाइम मिलेगा, क्योंकि आप इतने बिजी रहने वाले हैं भाई। ये तो अच्छी बात है, देखिए खाली दिमाग ही तो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। तो फाइनली जब आप अपने खुद बिजी रहेंगे, आपका दिमाग बिजी रहेगा, तो ये तो अच्छी बात है। हमको कार्ड्स फ्लिप हुआ था और डेविल का कार्ड दिखाई दिया था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स तो है, और आपको पता है चैरियट के साथ साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स का आना, तो यहाँ पर ये कार्ड्स जो है जिस हिसाब से आ रहे हैं वो ये दर्शाता है कि मेरी दिल का वो शहजादा, मेरा दिल भर मेरा प्रेमी, कभी ना कभी तो आएगा वो, कभी ना कभी मैं बनूंगी उसकी। एक गाना है पूजा भट्ट का, ठीक है, बड़ा अच्छा सा गाना, हमें बहुत अच्छा लगता था, पता है 90s वाले समझ पाएंगे, 90s वाले। थ्री ऑफ कप्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली 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 आपके कुछ दोस्त जिन्होंने आपको किया था घोस्ट, है ना, तो वो लोग लौट रहे हैं भाई। बट आप इतना, आप अपने आप में इतना बिजी होंगे दैट ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरीके से सुलझा भी लेंगे, चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल भी कर लेंगे, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है। इतनी विजडम तो आपने गेन कर ली है कि, और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ पुराने लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कनेक्ट करने आ रहे हैं क्योंकि आप एक एट ऑफ वॉन्ड्स है, आप इतने विजडम गेन कर चुके हैं, लाइक लिटरली ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म हमें दिखाई दे रहा है जिसमें, अरे दोस्ती की मिसाल दी जाएगी आपकी, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा भाई, एक कान से बिल्कुल तकलीफ सी हो रही थी। द मजिशियन एट ऑफ वॉन्ड्स, गाइज एक चीज़ और बता दें, आप पता नहीं, हमको यहाँ पे किसी और की एनर्जीज ग्रैब हो रही है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने को डेविल दिखाई दिया था। थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखिएगा कि देखिए, कोई बुरा पर्सन अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा, मैनिफेस्टेशन आपको पता है देर सवेर भाई कभी ना कभी पूरी हो जाती है, ऐसा बिलीव आप लोगों का बिलीव है, जैसा भी जिसका भी बिलीव है भाई। लेकिन अगर तो कोई गलत इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा तो पुल महसूस करेंगे ना, तो किसी ना किसी पर्सन की अचानक से आपको आउट ऑफ द ब्लू ख्याल आ जाना, हो सकता है उस पर्सन को आप एक आँख फूटी आँख नहीं पसंद आपको वो पर्सन, लेकिन आपको अचानक से उसका ख्याल आना आउट ऑफ द ब्लू, सडन थॉट, समझ लीजिए कि दैट पर्सन माइट बी पॉसिबल दैट ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको कुछ वाइब्रेशंस सेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अचानक से उनकी याद आती है। बट समझदार हैं आप लोग, हायरोफेंट का कार्ड है, आपको पता है कि कौन लोग आपके जीवन में रहने लायक, रहने योग्य हैं, कौन लोग नहीं हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको हमने बोला ना, आप एक आँख नहीं पसंद करते होंगे, लाइक यू डोंट वॉन्ट टू इवन सी देयर फेसेस, आप उनको देखना भी नहीं पसंद करते हो और आपको ऐसा लगता है कि दे डोंट इवन एग्जिस्ट इन द यू नो इन द वर्ल्ड, दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि भाई ऐसे इंसानों को कभी ना देखना पड़े, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपको शायद मैनिफेस्ट करते हैं, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। देखिए कहना आसान होता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है, एक टाइम पे आप फॉरगिव कर सकते हो, और फॉरगेट करना इट्स नॉट ईजी, ठीक है, भूलने के लिए ना गजनी बनना पड़ता है, और गजनी आप लोग हैं नहीं, ना हम हैं, इतना आसानी से नहीं भुलाया जा सकता भाई, जिसने दिल छीला हो, जिसने तकलीफ दी हो, जिसके वर्ड्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो तकलीफें, देखिए इस खंजर से आप किसी को ऐसे ऐसे करेंगे ना, वो भी एक पेन है, वो भी ठीक है भाई, जान निकल गई, लेकिन शब्दों का जो प्रहार होता है ना,
लंबा टाइम लेता है हील होने में, उसको बहुत समय लगता है। तो ऐसे भी आपकी लाइफ में कुछ लोग होंगे जो जिनको आप बिल्कुल भी अपने जीवन में देखना तो कतई नहीं चाहते, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हमको एनर्जीज हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। टू ऑफ यार ये टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ सोल्स बहुत आ रहा है आपकी रीडिंग में। डेफिनेटली डेफिनेटली देयर इज़ अ चॉइस टू बी मेड। चॉइस तो भाई है, हमने बोला ही था कि टेक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम समबडी, जहाँ पर आपको लगता है कि जहाँ आप अटके, ठीक है, वहाँ आपने दिए हमको झटके। क्यों भाई, किसी और से रीडिंग ले लो। देखो अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही रीडिंग लेने का, हमसे भी नहीं, हमसे भी हो किसी और से भी हो, बट अगर बहुत नीडेड है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को ज़रूरत है इतनी रीड, इतनी अर्जेंसी नहीं है वो, इसलिए क्योंकि अरे भाई हायरोफेंट की एनर्जीज में हो, हर्मिट की एनर्जीज में हो, इतना विजडम तो गेन किया है तो किस बात का डर है, रीडिंग की क्या ज़रूरत है, खुद का इंट्यूशन काम करेगा ना, आप लोग सही डिसीजन ही लेंगे, हमको आप पर पूरा भरोसा है भाई। बट सेप्टेम्बर इज गोना बी वेरी 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 लकी फॉर यू। देर विल बी अ लॉट ऑफ हीलिंग, बहुत आपके लाइफ में बहुत हीलिंग है, बहुत ग्रोथ है। स्टैगनेंट चीज़ों में फाइनली आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, फाइनली द एनर्जीज आर गेनिंग मोमेंटम। भाई 3 दिनों से इतनी अच्छी रीडिंग आ रही है ना, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। रीडिंग करके भी देखो मन शांत रहता है, मन में लगता है कि चलो किसी की ना, कि आप लोगों में से किसी ना किसी की रीडिंग तो होगी ना, किसी ना किसी की एनर्जी तुमने ग्रैब करी है। लिटरली यहाँ पे एग्रीमेंट्स हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कल भी चिट्स निकाले थे हमने, एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ तो आप लोग साइन करने वाले हो भाई, ऐसा ही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स डेथ के नीचे, ये हम अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बता रहे थे ये उससे रिलेटेड है। मैनिफेस्टेशंस कोई आपको अपनी एनर्जीज में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सो कॉल्ड ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं जिससे आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक शायद कोई कॉन्टैक्ट नहीं है काफ़ी लंबे टाइम से, कोई आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। हमने बोला ना जो शायद आपको फूटी आँख नहीं पसंद, आपको एक आँख नहीं भाते होंगे तो फूटी आँख नहीं पसंद। वैसे ये किस तरीके का मुहावरा है, हमने सुना है ऐसा लोग बोलते हैं। ये वही स्ट्रेस देने के लिए ही कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अवॉइड दिस स्ट्रेस। ऑब्वियसली हायरोफेंट की एनर्जीज और हर्मिट की एनर्जीज आती रही हैं 3-4 दिन से, अभी तो हायरोफेंट है बट सही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ गलत नेगेटिव लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी जीवन में, बट गेट रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग विद योर न्यू लाइफ, विद न्यू पीपल, न्यू पर्सन, न्यू सब कुछ, नया नया चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। एस ऑफ वंड्स, ठीक है, गेट रेडी फॉर अ फ्रेश न्यू स्टार्ट फाइनली। सेप्टेम्बर का मंथ गणपति भी आ रहे हैं ना परसों, तो भाई वो सारे विघ्न ले जाएंगे अपने साथ इस बार। आई एम सीइंग एवरीथिंग इज गोना बी सो 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 गुड। एट ऑफ सोर्ड्स, स्टैग्नेंट एनर्जीज पे जो है भारी भरकम वार होता हुआ, चैरियट के ठीक नीचे आया है एट ऑफ सोर्ड्स। तो नो मोर स्टक एनर्जीज, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइस,
जो कार्ड गिरा था वो टेम्परेंस था, और ये कार्ड ने थोबड़ा दिखा के ऐसे करके ही गिरा है। तो हम ले रहे हैं इसी को टेम्परेंस, और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्योंकि कार्ड्स के सबके पार्टनर बन गए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी देर पहले हमको नाइन ऑफ कप्स दिखाई दिया था और यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स में कोई ज़्यादा फ़र्क तो आपको पता है नहीं। तो फाइनली ये जो कॉन्ट्रैक्ट और ये जो एग्रीमेंट आप साइन करने वाले हैं, ये आपको भर भर के अबंडेंस और स्टेबिलिटी देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नई गाड़ी मुबारक हो भाई, किसके लिए, किस कौन ले रहा है नई गाड़ी? हमको एकदम ऐसा क्यों लगा जैसे कोई कोई नया घर और नया गाड़ी देने वाला है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ तो ऐसा है डेफिनेटली सितंबर के महीने में। अचानक से, मतलब अगर नहीं भी आप लेने वाले हैं लेकिन आपके मन में चलेगा इस महीने में, आप सोचेंगे कि यार एक गाड़ी ले लेते हैं, यार एक घर ले लेते हैं। लाइक कुछ ऐसा इतना बड़ा हाथ मारने वाले हैं, इतना बड़ा हाथ मारना मतलब लिटरली कुछ ऐसा आप अचीव करने वाले हैं, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ अचीवमेंट अपनी लाइफ में जिससे आपको, आप बड़े बड़े सपने देखने को, अब की बार शायद आप कुछ हटके सपना देखें, कोई बड़ा सपना देखें। आप लोग बोलते हैं ना ड्रीम बिग, हम नहीं बोलेंगे, हम ऐसी एडवाइसेस नहीं देते हैं, हमको ये सब चीज़ें नहीं रिझाती हैं, हमको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती। लेकिन हाँ, अब जो भी है आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ यू आर गोना ड्रीम, लाइक लिटरली आई एम सीइंग दैट आप जो है यू आर गोना ड्रीम बिग, सम काइंड ऑफ अ बिग ड्रीम इज़ अबाउट टू फॉल इन टू योर लैप, सम डिज़ायर, सम, अरे भाई कुछ ऐसा आपका बहुत ख्वाहिश कहीं ना कहीं ये आपके हमेशा से बचपन से शायद रही हो कि ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसा कुछ, वो अचानक से आपकी झोली में गिरने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और इस अचीवमेंट से ऑब्वियसली कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होगी भाई, बड़ी तकलीफ होगी। वो इसलिए क्योंकि डेविल का कार्ड हमें दिखाई दिया था। आपकी इस अचीवमेंट से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, बट यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। हमने कल चिट्स लिए थे, पता नहीं आज हम चांस लेते हैं, रुकिए जरा देखते हैं कुछ चांस से कुछ पता चले तो। इतना टाइट कैसे हो गया भाई? ठीक है, चांस देख लेते हैं। मौका मिलने वाला, जैसे होता है कि आपने आज ये लॉटरी भी जीती, आपने आज ये अचानक से ट्रैवल टूर जीता है, अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही प्लैंड नहीं है ये, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सब है। किसी का कम बैक हो ही नहीं है, मतलब लिटरली आपको खुशी का ना कोई, इस बार तो वाकई में आपकी खुशी का कोई एड्रेस नहीं है, पता नहीं कहाँ से कौन से एड्रेस से खुशी आ रही आपकी लाइफ में। ये हमारे भाई की घड़ी है, मतलब बहुत पुरानी, बचपन की, ठीक है, जब वो छोटा हुआ करता था छोटा, बहुत छोटा, वो थर्ड फोर्थ में पढ़ता था ना, तब ये घड़ी दिलाई थी। तो ये जो है 10-10 इस पे हमने वो कर रखा है, बजा रखा है मतलब, और ये खुला हुआ है, आपको पता है इसका बेल्ट वेल्ट सब टूट गया है। तो ये उस दिन अलमारी से निकला तो हमने इसको जो है अपने चार्म्स के बॉक्स में रख लिया, और अभी ये चार्म निकल के आया है। तो 10-10 देर इज़ अ कम्प्लीशन फॉर श्योर, चीज़ें जो है एंड हो गई हैं। वही पुराना लूप अगर आप चला रहे थे, अब तक चल रहा था, पता नहीं कितने 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 सालों से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, तो जो लोग लंबे टाइम से देख रहे हैं, तो फाइनली वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। लंबे टाइम तक आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ में एंजल की प्रोटेक्शन है, और ये रहा वो एंजल जिसकी प्रोटेक्शन है आपको, और फाइनली आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाले समय में अब देख पाएंगे। अरे ये ट्रम्पेट क्यों आया भाई? हमको ऐसा लग रहा है जैसे जजमेंट का वो ट्रम्पेट बजाता है ना,
जजमेंट के कार्ड में आपने देखा होगा ना, एंजल जो है उसमें बने हुए हैं राइडर वेट में, वो एक ट्रम्पेट बजा रहे हैं और बाकी सारे लोग कॉफिन से उठ के जो है जजमेंट की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ट्रम्पेट हमको वो दिखाई दे रहा है, बट समहाउ हमको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग म्यूज़िक फील्ड से हैं तो आपकी म्यूज़िक को पहचान मिलने वाली है। कुछ बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जजमेंट, देयर इज़ अ जजमेंट फॉर श्योर। ये रहा एक फ्लावर और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैजिक वैंड है कि आप ऐसे छू मत, ऐसे चीज़ें घुमाएंगे और सब कुछ आपके फेवर में वर्क करेगी, जैसे कि यहाँ पर इस मजिशन ने चीज़ें घुमा रखी हैं मैजिक वॉन्ड से चीज़ें, है ना। तो आबरा कडाबरा, गिरी 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 छू, तो ऐसी एनर्जीज हैं। इस रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आखिर में आपको एक चीज़ सिखाएंगे, टीचर है ना, तो आपको एक चीज़ सिखाएंगे, जादू। ये है, पता है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो समझ में आ गया होगा, यूएस, तो कुछ लोग यूएस जा रहे हैं, सही है यार, हमें भी ले चलो, पासपोर्ट नहीं है ना, कैसे बनता है, हमको कुछ आता नहीं है। खैर ये देखिए, तो हमने आपको बोला था कि बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं आप पे भाई, नज़रें बनी हुई हैं आप पे, समझ रहे हैं, यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर दी सेंटर ऑफ अटेंशन, एंड आने वाले दिनों में यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, क्योंकि इसीलिए हमने बोला ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी, आप पर कुछ लोगों की नज़र पड़ेगी कि ये कौन है भाई, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। सही है। ओ देखिए, एंजल फेदर, तो एंजल की प्रोटेक्शन है आप पे, गॉड की, डिवाइन की प्रोटेक्शन है, जिसको भी आप मानते हैं। ओ ओल्ड स्कूल, तो कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ पुराने सोच, भाई हम तो आलम बाबा के ज़माने के हैं तो हमारी सोच ना उधर वैसी है पुरानी, लेकिन हाँ आप लोगों में से कुछ लोग अपना बहुत पुराने किसी प्रकार के जो रूढ़िवादी सोच है, परंपरावादी ख्यालात हैं, उनका त्याग करेंगे और कुछ नया अपनी डेस्टिनी क्रिएट करेंगे, लिखेंगे नया ज़िंदगी लिखेंगे। यहाँ पे है हेलो किटी, तो वो किटी है यहाँ पे, किटन, तो कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करेंगे इस दौरान पे, पेज की एनर्जीज में जाएंगे। यहाँ पे एक चार्म है जैसे राखी वाला, जैसे रक्षा सूत्र लग रहा है, राखी लग रहा है, तो चलिए हम आपको इसको बांध देते हैं, ये लीजिए। कीवी, कीवी इज ऑल अबाउट सिडक्शन, सेक्सुअलिटी, तो आपकी जो मैस्कुलिन फेमिनिन जैसी भी जो भी साइड है वो बहुत एनहेंस होगी भाई, पहचाने जाएंगे। मैं बोला ना आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ये देखो, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है ना, हमने बोला था ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाई कल के कार्ड में भी आया था कि नहीं पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल, ये जो समय का पहिया है ना वो अब घूमा है और ऐसा घूमा है जो वाकई में अब परमानेंट चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि ये 10-10 कम्प्लीशन का है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपको पता है कि 10 नंबर को दर्शाता है। आप उनको गोली मारेंगे? हाँ मार दीजिए, नेकी और पूछ पूछ मार दीजिए, मार दीजिए। नहीं वैसे ये गन आया क्यों है? कॉर्ड कटिंग, कट ऑफ, कुछ लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हमेशा के लिए उड़ा देंगे, ख़त्म। ओ मास्क, तो ये मास्क आया है, तो देख लीजिएगा, कुछ लोग अपने आपकी ज़िंदगी में हैं ऐसे जो नकाब पहन के घूमते हैं, आपको शायद पता नहीं है भाई, कुछ लोगों के नकाब उतर जाएंगे, पता चल जाएगा आपको आने वाले समय में। ओ डिवाइन मैस्कुलिन, तो भाई आपकी ज़िंदगी में कोई डिवाइन मैस्कुलिन आ रहे हैं फाइनली। चपड़ गंजू, कौन है ये मुच्छड़? देखते हैं। ओ सो डिवाइन फोर्सेस आर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है, इसको देख के हमको सडनली डिवाइन फोर्सेस ही ख्याल आया है। डिवाइन फोर्सेस आर प्रोटेक्टिंग यू, अगेन देर इज़ अ चार्म विच इज़ लाइक ये इस तरीके का, जैसे
अरे भाई, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग, चीज़ें बहुत अर्दी एनर्जीज, बहुत ही आसमानी एनर्जीज, क्या बोलते हैं उसको, अरे भाई ऊपर क्या, यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स की प्रेजेंस है, ब्रह्मांड का पूरा साथ आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आखिरी ये है केज, तो कुछ लोग कैद से आज़ाद हो रहे हैं, किसी भी कैद, कोई भी कैद हो, क्योंकि हमको यहाँ पे ओल्ड स्कूल ये भी दिखाई दिया। तो डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत सारे लोग किसी प्रकार का ओल्ड स्कूल रूढ़िवादी और परंपरावादी सोच को हमेशा हमेशा के लिए त्याग रहे हैं, और बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का, एक अलग तरीके से लाइफ को देखने का माइंडसेट हो रहा है। और यहाँ पर इस केज से यू आर अबाउट टू गेट फ्री, मतलब आप तो बल ऐसे करके उड़ ही जाएंगे, मतलब हैं उड़ के उड़ जाएंगे आप लोग, फिर हमारी रीडिंग कौन देखेगा? नहीं, हम नहीं चाहते कि आप पूरी ज़िंदगी रीडिंग देखें, हम नहीं चाहते, कसम से बता रहे हैं, हम नहीं चाहते कि पूरी ज़िंदगी आपको रीडिंग्स देखनी पड़े। तो ये थी आप लोगों की एनर्जीज जो कि हमने आपको बता दी, बहुत अच्छी है। ट्रैवलिंग का भी जो है बहुत हाई चांस है, और हमने आपको जैसा कि वादा किया था कि हम आपको एक चीज़ सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम टीचर हैं। तो बच्चों रुकिए, हम सबको एक चीज़ सिखाते हैं आप सब। देखा, कार्ड समेटने के बाद आया है एस ऑफ वांड्स, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। असली मसाले सच सच MDH MDH। हमने आपको बोला था ना MDH का फुल फॉर्म, याद है आपको? हम टीचर हैं, आपको याद नहीं है? टेस्ट में आपके जीरो आए हैं। तो MDH का फुल फॉर्म होता है मिनी दास है। खैर जो भी है, मजाक कर रहे हैं। सुनिए, तो हम आपको जो चीज़ सिखा रहे हैं वो सीखने के लिए तैयार कर लीजिए। तो अपना हाथ जो है ऐसे करिए, सब सब लोग करेंगे ऐसे, नहीं नहीं सब, हाँ आशीर्वाद हमारा है, भर भर क्या, भर भर क्या है, एक ही हाथ ऐसे कीजिए, ठीक है। अब जो है इस एक फिंगर को धीरे धीरे ऐसे कीजिए। अरे आप लोग कर भी रहे हैं, हमारी बात कितना सुनते हो यार, आप लोग हमारी कितनी बातें सुनते हो। हाँ करो करो करो, ऐसे करो, हाँ करो करो, हाँ इसको ऐसे करो, करा ऐसा बना है कुछ है, इसको ऐसे करो धीरे से, इसको लेके आओ इधर, इधर लेके आओ, हाँ। यही हम आपको सिखा रहे थे। जादू जादू जादू, देखा सिखाया ना हमने आपको जादू, ये जादू है, आप लोग भी जादू हैं। हम लोग इस गोले के प्राणी थोड़ी है, हम तो जादू की दुनिया के हैं। मजाक कर रहे थे, आपको तो पता है ना कि हम सटिया गए हैं। तो जी चलते हैं, नमस्ते, और अपना ख्याल रखिएगा। और जो है पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, आप हमें बुक कर, मतलब रीडिंग बुक कर सकते हैं। हमको बुक नहीं करना है भाई। रीडिंग बुक कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ प्राइसेस अपडेट हुई हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। पुरानी वीडियोस ना चेक करें, अभी लेटेस्ट लेटेस्ट की वीडियोस हैं वो चेक कीजिएगा। और चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तो हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है, और चलिए चलते हैं। तो जी अभी के लिए बस इतना ही, बाय।